साथियों जय हिंद, कैसे हैं आप सभी। आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फिजिकल एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आएगी, ठीक है। और सबसे पहले बता दूं कि यदि आप TSR का फिजिकल अभी आपका नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल भी अपनी रनिंग या अपनी तैयारी बंद मत करिए। आपका फिजिकल कोरोना वायरस के थोड़ा बहुत ही कम हो जाने के तुरंत बाद, जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिकल चल रहा था, कुछ लोगों का फिजिकल नहीं हो पाया था, ठीक है, तो उनका फिजिकल जिनका नहीं हो पाया था बहुत ही जल्द आयोजित किया जाएगा, ठीक। अब जिनका फिजिकल निकल गया है उनको तैयारी करना है आगे के लिए, जिससे कि उनकी जो भर्ती है, जिससे कि उनका जो सिलेक्शन है वो कंफर्म हो सके, ठीक है। वैसे जितने भी रनिंग क्वालिफाई कर चुके हैं, जिनका फिजिकल और मेडिकल क्वालिफाई हो गया है और वो अपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल रख लीजिएगा, ठीक है। डेली आपको TSR के लिए आपको जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करूंगा। आज बात करता हूं कि आपको किन किताबों के माध्यम से पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं मैं किसी भी किताब का ऐड देने नहीं आया हूं, आप बिल्कुल भी, मैं सिर्फ उतना बता रहा हूं जो क्वालिफाई बंदे जो क्वालिफाई कर चुके हैं, जो कि आज प्रेजेंट टाइम में जॉब कर रहे हैं, TSR में कर रहे हैं, IRB में कर रहे हैं या त्रिपुरा पुलिस में कर रहे हैं, उन्होंने जिन किताबों से लगभग प्रिपेयर की थी उसी किताबों को आपको बता रहा हूँ। बाकी आप जिस भी किताब से करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आपको GS कहाँ से पढ़ना है, तो GS के लिए आपको लूसेंट पढ़ना है, ठीक है। लूसेंट और करंट अफेयर्स आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर्स त्रिपुरा वाला एक भी मत छोड़िएगा। वैसे तो आपको पूरे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, भारत के, विश्व के मोटे मोटे, और त्रिपुरा का तो शुरू एकदम जीरो से लेकर 100 तक आपको 100 तक पढ़ना है त्रिपुरा के लिए, ठीक है। त्रिपुरा के लिए जो स्पेशल त्रिपुरा का GS है, त्रिपुरा के बारे में जानकारी, त्रिपुरा का राज्य कब बना या त्रिपुरा में कौन सा कहाँ क्या इमारत है या कौन से शासक आए और गए, ठीक है, त्रिपुरा। और उसके बाद आता है आपका GS में एक पॉइंट और आता है कि त्रिपुरा स्पेशल और TSR IRB स्पेशल, जैसे कि IRB की स्थापना कब हुई थी, इसका काम क्या है, ये सब भी एग्जाम में पूछा जाएगा, एक दो क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो त्रिपुरा से और TSR IRB से संबंधित जितने भी तथ्य हैं आपको वो पढ़ लेना है। उसके बाद बात करता हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक ले लीजिए, आपको SSC GD लेवल की ही बुक लेनी है, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको लेने की जरूरत नहीं है। और आपको बता दूं यदि आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको GS के, उसके बाद मैथ के, फिर रीजनिंग के और उसके बाद फिर हिंदी की तीन वीडियो क्लासें उपलब्ध करा दी गई हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वो वीडियो देख लेना है, आपको 100% आइडिया लग जाएगा कि हमको किस लेवल का क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ के लिए। मैथ के लिए आप बहुत सारी बुक्स हैं GD लेवल की, जैसा कि आप RS अग्रवाल ले सकते हैं, SD यादव ले सकते हैं, राकेश यादव ले सकते हैं, या आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। याद रखना है आपको GD लेवल का पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि यह जैसे SSC GD की भर्ती थी सेम है जो ऐसे रहेगी। अब बचता है हिंदी के लिए आप कोई भी बुक लीजिए, उसमें आपको अगर बेटर बुक लेना है तो आपको लूसेंट ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से, जो जहाँ तक मुझे जानकारी है, जहाँ तक लोगों ने बताया, आपको हिंदी की लूसेंट से तैयारी करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको हिंदी से जितने भी पॉइंट हैं, हिंदी व्याकरण जितने भी पॉइंट हैं आपको वो ध्यान में रखने हैं, यदि आप इंग्लिश से हैं तो इंग्लिश के जितने भी पॉइंट हैं वो ध्यान रखने हैं, यदि आप बंगाली भाषा में देंगे, जो भी क्षेत्रीय भाषा आप चूज करेंगे, ठीक है, उसको आपको पकड़ अच्छी से बनानी होगी। याद रखिएगा सभी पॉइंटों में जब तक आपकी पकड़ नहीं बनेगी रिटन एग्जाम नहीं निकलेगा, या आप लिख लीजिए। और आपको मेहनत डेली करना है, यदि आपकी आपका फिजिकल नहीं हुआ है तो फिजिकल के साथ साथ अब आपको लिखित परीक्षा पर भी ध्यान देने की जरूरत है, और जिनका निकल गया है उनको तो लिखित परीक्षा पर ध्यान देना ही देना है, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आओ तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।